वे इसके वशीभूत नहीं होना चाहते। बार बार लगातार वही चीजें होती रहती हैं। ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। ये एक जीवन काल से दूसरे जीवन काल तक नहीं है, वो भी है, पर इसी जीवन में आपको इसे लोगों के सामने स्वीकार नहीं करना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से इसकी ओर देखें। नमस्कारम सतगुरु, ब्रह्मचर्य के मार्ग में क्या क्या शामिल है? मुझे कैसे पता चले कि मैं इसके काबिल हूं या नहीं? ब्रह्मचर्य का मतलब है मंद हवा की तरह होना, मतलब आप किसी चीज से जकड़ते नहीं। ये हर जगह बह रही है, हमें नहीं पता कि यह अभी ये कहां से आ रही है। ये अभी अभी सागर को पार करके आई है, ये यहां है और ये बस बहती रहती है। ब्रह्मचर्य का मतलब है बस जीवन के रूप में होना, उस तरह जीना जैसे आप पैदा हुए थे, अकेले। अगर आपकी मां को जुड़वा बच्चे हुए तो भी आप अकेले ही जन्मे थे। दिव्यता के साथ बहुत नजदीकी संपर्क में, बस उसी तरह जीने के लिए। ब्रह्मचर्य कोई महान कदम नहीं है, ये तो बस जीवन के रूप में बने रहना है। शादी एक बड़ा कदम है, आप कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम लोग ऐसा मानते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब है आपने कुछ नहीं किया, आपने अपने जीवन को वैसे ही होने दिया जैसे रचयिता ने आपको बनाया था, आपने उससे कुछ अलग नहीं बनाया। ब्रह्मन या सृष्टा के मार्ग पर होना, उसके तरीके से होना, आपके तरीके से नहीं। आप ये सोचकर शादी करते हैं कि यह आपके तरीके से होगा, पर यह किसी और के तरीके से होता है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है बस उसका तरीका, जिस तरह उसने आपको बनाया बस वैसे रहना, कोई कदम नहीं। अगर आप कुछ नहीं करते तो आप एक ब्रह्मचारी हैं। लेकिन साधना है, दूसरे अनुशासन है, उनके बारे में क्या? ये सब आपको उस तरह रहने में सहायता करने के लिए हैं। क्योंकि एक बार जब आप इस धरती से सामग्री उठा लेते हैं, जब आप इस धरती से पदार्थ उठा लेते हैं, तो इस धरती के गुण आप में प्रवेश कर जाते हैं और आप पर शासन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा होने पर धरती का एक बुनियादी गुण जो आप में आ जाता है, उसे जड़ता कहा जाता है। तो परमात्मा के मार्ग पर होने का मतलब है धरती के तरीकों में नहीं पड़ना। एक चीज है जड़ता, दूसरी चीज है एक मजबूरी भरी गतिविधि। अगर आप इस धरती का एक टुकड़ा उठाते हैं तो आप धरती जैसे बन जाते हैं। यह आपको चक्रों में फंसाने की कोशिश करती है। इस ब्रह्मांड में जिस भी चीज को आप भौतिक कहते हैं, उस सभी का आधार चक्रीय गति है। क्योंकि भौतिकता सिर्फ तभी मौजूद हो सकती है जब वो चक्रीय हो। ब्रह्मचर्य का मतलब है आप चक्रीय गति के वश में नहीं होना चाहते। क्योंकि एक ब्रह्मचारी जान गया है कि दुनिया उनके बिना चल सकती है, वो अब वापस नहीं जाना चाहता। देखिए, चक्र का मतलब है अगर आप एक गोल घेरे में चलते हैं, चाहे घेरा कितना भी बड़ा हो, आप वापस वहीं आ जाते हैं, है ना? भले ही आपको न्योता न दिया गया हो, आया ना? जब एक बार आप गोल मार्ग पर चलते हैं तो आप वापस आ ही जाएंगे। हम नहीं जानते कि लोग आपको चाहते हैं या नहीं, दुनिया आपको चाहती है या नहीं, पर आप हर हाल में वापस आएंगे क्योंकि आप एक चक्कर पर हैं। तो जो लोग जान गए हैं कि उनकी वास्तव में यहां जरूरत नहीं है, वे एक सीधे मार्ग पर चलना चाहते हैं, दिव्यता के मार्ग पर, ग्रहों के मार्ग पर नहीं।
तो ये देखना कि आप धरती के तरीकों से वशीभूत न हो, क्योंकि अगर आप इससे पहचान जोड़े हुए हैं तो आप सिर्फ धरती का एक टुकड़ा हैं। वो सब कुछ जो आपके पास है इस धरती से उधार लिया गया है और ये भीतर से आप पर राज करेगा। तो व्यक्ति एक प्राकृतिक प्रक्रिया के बजाय एक मार्ग, एक अनुशासन, ब्रह्मचर्य को अपनाता है ताकि वे जीवन की चक्रीय गति में न पड़े। वे इसके वशीभूत नहीं होना चाहते। बार बार लगातार वही चीजें होती रहती हैं। तो इसमें क्या शामिल है? अगर आप बहुत जागरूक हैं तो इसमें कुछ भी शामिल नहीं है, बहुत सरल है। आप हर सुबह ऐसे उठते हैं जैसे आपका जन्म हुआ हो, आप सोने ऐसे जाते हैं जैसे आप मर जाएंगे। उसके बीच में जो भी सबके लिए उपयोगी हो आप वो करते हैं, क्योंकि आप अब भी उस स्थान पर नहीं पहुंचे हैं जहां आप बिना किसी गतिविधि के रह सकें। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आइडिया ये है कि वो काम कभी भी आपके बारे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गतिविधि आपके बारे में होगी तो आप उलझनों में पड़ते चले जाएंगे। So you constantly do activity which is not about you. तो आप लगातार ऐसे काम करते हैं जो आपके बारे में नहीं होते। आप इतनी गतिविधि करते हैं कि जब आप सोने जाएं तो आपके पास एक पल भी ना हो, आप मृतक की तरह ढेर हो जाएं। जब आप उठें पक्षियों से पहले व्यस्त हो जाएं। बाकी सब कुछ कृपा संभाल लेगी। आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक ब्रह्मचारी बनाने के लिए हम एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का निवेश करते हैं। दरअसल ये जरूरी नहीं होना चाहिए। अगर वे बस कुछ नहीं करते तो वे वहां होंगे, पर धरती के तरीके भीतर से राज करते हैं, क्योंकि आखिरकार आप अपने शरीर को नीचे नहीं रख सकते। इसकी याददाश्त है, इसका बहुत बड़ा कार्मिक ढेर है, इसलिए इसमें प्रवृत्तियां हैं। इन प्रवृत्तियों से परे जाना जो आपके होने के प्रति स्वाभाविक नहीं है, पर ये मानो क्योंकि इस वाहन की प्रवृत्ति ऐसी है। मान लीजिए आप एक कार चला रहे हैं और उसमें थोड़ी अलाइनमेंट की समस्या है, तब ये इस तरह चलेगी। आपको इसे सीधा करना होगा वरना ये चला जाएगा। ये भी इसी तरह है, इसमें अलाइनमेंट की समस्या है, यह हमेशा इस तरह जाना चाहता है। एक बार जब यह मुड़ जाता है तो इसके चक्र पूरा करने में बस समय का ही सवाल है, पर क्योंकि यह एक निश्चित समय ले रहा है और व्यक्ति की जागरूकता कोई खास अवस्था में नहीं होती, इसलिए हर बार जब आप उसी बिंदु से गुजरते हैं तो वो एक नए स्थान जैसा लगता है। ऐसा होगा अगर आप दोपहर में यहां बैठते हैं तो वही स्थान जहां आप बैठे हैं। अगर सूरज निकला हुआ हो तो यह पूरा स्थान अलग लगेगा। अभी आप बैठे हैं ये अलग दिखता है, रात को 12 बजे आकर बैठिए ये और अलग दिखेगा। तो आपको लगता है कि आप हर बार अलग जगह पर आ गए हैं, पर नहीं, ये बस समय, मौसम और कम याददाश्त का सवाल है। Because of a certain mathematic involved. क्योंकि इस धरती की गति में एक निश्चित गणित शामिल है। आम तौर पर आपके चक्र 12 साल से थोड़ा ज्यादा होते हैं, आप उसी स्थान पर लौटते रहते हैं। ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। ये एक जीवन काल से दूसरे जीवन काल तक नहीं है, वो भी है, पर इसी जीवन के भीतर हर 12-12.5 सालों में आप एक चक्र से गुजर रहे हैं। ज्यादातर लोग कभी इस ओर ध्यान तक नहीं देते कि वही चीजें दोहराई जा रही हैं। ज्यादातर लोग, 99.9% लोग ध्यान नहीं देते। बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं कि वही स्थितियां हैं और शारीरिक और मानसिक दोनों और बाहरी स्थितियां समान चीजें आ रही हैं। अगर आप थोड़े हाइपर हैं तो यह हर 6 सालों में आएगा,
अगर आप थोड़े ज़्यादा हाइपर हैं तो ये हर 3 साल में आएगा, बहुत ज़्यादा हाइपर तो ये 18 महीनों में एक बार आएगा, बहुत बहुत ज़्यादा हाइपर ये 3 महीनों में एक बार आएगा। अगर ये 3 महीने से पहले आता है तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, आपको पागलखाने में होना चाहिए। हाँ, अगर आपके चक्र 3 महीनों से कम हैं तो निश्चित रूप से आप खुद के लिए और आपके आसपास सभी के लिए ख़तरनाक हैं, आपको पागलखाने में होना चाहिए, क्योंकि आपके चक्र बहुत छोटे हैं, आप अस्थिर हो जाते हैं, ख़तरनाक रूप से अस्थिर। तो आपके चक्र 12 साल के हैं या 3 महीने के, अंतर केवल पागलपन के प्रतिशत का है, है ना? अगर आपका चक्र 3 महीने का है तो सभी देख सकते हैं कि आप पागल हैं। अगर आपके चक्र 12 साल के हैं तो लोग नहीं जान पाते, पर आप जानते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको पता है आप पागल हैं। अगर आप खुद के साथ स्पष्ट हैं तो आपको साफ साफ पता है कि आप पागल हैं। फर्क सिर्फ इतना है, क्योंकि समय 12:30 या आसपास है, इसलिए आप दुनिया को पागल बना सकते हैं कि आप ठीक हैं। अगर मैं चाहता हूं कि आप सब इसकी ओर देखें, ईमानदारी से खुद की ओर देखिए, सामाजिक प्रभाव की चिंता मत कीजिए, आपको इसे किसी के सामने स्वीकार नहीं करना, ठीक है? अपने भीतर क्या आप काफी कुछ पागल नहीं हैं? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको इसे लोगों के सामने स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से इसकी ओर देखें। अगर आप खुद को लेकर ईमानदार और स्पष्ट हैं तो आपको पता है कि आप काफी दूर निकल चुके हैं। अगर आपने खुद के आगे इसे स्वीकार कर लिया है तो आप इसे ठीक करना चाहते हैं, पर आप इतने ज्यादा सामाजिक प्राणी हैं कि आप कैसे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे दिखते हैं आपके लिए बस यही मायने रखता है, तब आप जारी रख सकते हैं, कई जीवन काल तक आप जारी रह सकते हैं, आप कैसे हैं यही मायने रखता है, आपका होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, ना कि ये कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। दूसरों की राय आपके जीवन को नहीं गढ़ रही, ये आपके जीव का स्वभाव है, अगर ये होता है तो आप स्वाभाविक रूप से दिव्यता के मार्ग पर चलेंगे, आप वहां होना चाहेंगे और कोई रास्ता नहीं होगा।